और मेरे पढ़ाकू बच्चों, क्या हो रहा है? टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर ब्लड एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड वॉल्यूम एंड द प्लाज्मा. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो वॉट इज ब्लड? अ फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो अभी जल्दी समझ में आता है. So if we can see that if we can discuss about a cell, cell is a structural and functional unit of life. So cell is having nucleus, mitochondria, it can generate protein, carbohydrate. So if we can see, the cell can do anything, you know. So but whenever the requirement of food is there, because to maintain life the food is required, so then cell of suppose leg will not go to the GI system to take the carbohydrate and then go back. Suppose cell from the red bone marrow will not go to the stomach to take the required amount of iron or calcium or phosphorus. So for that purpose it has been decided ki each and every cell will get nutrition on its home delivery, you know. तो होम डिलीवरी का ऑप्शन बनाया गया बिकॉज टेक अवे ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है. यू जस्ट गो, सेल फ्रॉम द ब्रेन विल गो टू द स्टमक एंड दे विल टेक द रिक्वायर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, है ना. तो दिस इज नॉट अ टेक अवे ऑप्शन. तो देर विल बी अ होम डिलीवरी ऑप्शन. तो बिकॉज ऑफ दैट पर्पज द ब्लड हैज़ बीन मेड एंड टू सर्कुलेट द ब्लड द हार्ट वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पजेज एंड द हार्ट वॉज made to do this function. Now we can understand what importance the blood is having, you know. So it's that's why it is a transport medium. And if we will see that technically the blood is transport liquid that is pumped by the heart for an equivalent structure, jo bhi bol sakte hain, to all parts of the body, after which is returned to the heart to repeat the process. Blood is both a tissue and a fluid. टिश्यू भी है और फ्लूड भी है. इट इज़ अ टिश्यू. टिश्यू क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज वी नो दैट टिश्यू इज अ कैन बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. सो दैट्स वाई टिश्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट सर्व पर्टिकुलर फंक्शंस. दीज सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मैट्रिक्स प्लाज्मा विच मेक्स द ब्लड इज फ्लूड. तो यहाँ पर हमें एक फ्लूड भी मिल रहा है और सेल्स भी मिल रहा है. That's why it is a connective tissue where the intercellular substance is a liquid called plasma. अगर हम एक particular tissue की बात करें तो वहाँ पर cell to cell binding रहता है and cell की binding के बाद वहाँ पर gap junctions, many junctions, side junctions रहते हैं and there is a intercellular substance रहता है. But in case of blood, because this is a connective tissue, यहाँ पर cells थोड़ा थोड़ा separate हैं, दूर दूर हैं, लेकिन उनके बीच में जो intercellular substance है वो है प्लाज्मा. ये देखिए ब्लड कंपोजिशन. सो व्हाट द ब्लड इज हैविंग, द फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा नॉन लिविंग फ्लूड मैट्रिक्स है और इसमें रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिविंग ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिकॉज व्हेन एवर वी विल सी द ब्लड थ्रू द माइक्रोस्कोप then they have a definite form यानी shape. उनका एक shape है particular. From the shape only we can distinguish this is RBC, this is WBC. So because of that they have been named as formed elements, है ना. उसमें क्या हो गया, erythrocytes जिसको हम लोग बोलते हैं RBC, leukocytes WBC and the platelets. We will see what is going on there. अब हम देखते हैं कि अगर हम blood को एक आर्टरी से विड्रॉ करें एंड देन ब्लड इज पुट इन द टेस्ट ट्यूब एंड द टेस्ट ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज्ड. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर हम ब्लड को देखें तो दैट विल बी यू कैन सी द थ्री लेयर्स विल बी डिस्टिंक्ट. प्लाज्मा ऑन द टॉप दैट इज येलो या कलर फ्लूड. द प्लाज्मा विल ऑक्यूपाई द टॉप बिकॉज लाइट वेट एंड देन देर इज अ इलेक्ट्रोसाइट्स ऑन बॉटम एंड इन बिटवीन देर इज अ बफी कोट दैट इज हैविंग WBC. अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो 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 ये रेड पार्ट है ये वाला, ये दिस इज, है ना. सो दिस इज बिकॉज दिस इज हैवी इन द वेट. सो RBC इज सेटल डाउन
बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, उससे कम डब्ल्यू बी सी दिखेंगे छोटा सा यहाँ पे वाइट जो लाइन दिख रहा है बफी कोट दिख रहा है, सो दैट इज द बफी कोट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, उसके ऊपर जो पार्ट है प्लाज्मा। सो यहाँ पे देखने में समझ में आया कि यार अगर इसको 100% माने तो 55% जो है वो कवर कर रहा है प्लाज्मा एंड 45% जो है वो इरेथ्रोसाइट कवर कर रहा है। यानी अगर हम देखें कि ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है 55% एंड आरबीसी इज कवरिंग द 45%, इसलिए इसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। इसका भी बहुत एक इंपॉर्टेंस है कि वाई वी आर लुकिंग दिस 55% एंड 45%। अगर किसी का ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल में देखा कि ये 55% जो था वो हमें मिल रहा है 45%, है ना, सो दैट इज़ द पैथोलॉजी। यानी उस आदमी में प्लाज्मा कम हो रहा है, उस आदमी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो दिस गिव्स द आइडिया, है ना। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस आई कैन से। ऐसा दिस इज़ द प्रोसेस दैट वॉज इन्वॉल्व इन दिस। यू कैन सी विड्रॉ द ट्यूब, देन इट इज़ पुट इन टू द सेंट्रिफ्यूगल मशीन जो कि बहुत तेज़ घूमती है, 2000 RPM राउंड पर मिनट पे घुमाते हैं उसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रिफ्यूगल फोर्स द हैवी सेल्स विल सेटल डाउन इन द बॉटम एंड द लाइट सेल विल सेटल डाउन द अपर लिवर एंड द फ्लूइड पार्ट दैट इज द प्लाज्मा विल ऑक्यूपाई द टॉप लेवल। ठीक है, सो दिस इज द ग्रैंड पिक्चर ऑफ यू कैन से ब्लड। इसमें देखेंगे होल ब्लड में हमारे पास सपोज 92% इज द अदर फ्लूड्स एंड टिश्यूज एंड होल ब्लड इज 8%। अगर हम पूरी बॉडी वेट का देखें, अगर पूरी बॉडी वेट में देखें तो 8% जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा ब्लड, 92% में अदर बॉडी फ्लूड्स एंड टिश्यूज हैं। अब अगर ब्लड को देखें तो ब्लड जो उसमें प्लाज्मा जो है दैट इज 55%, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो है 45%। अब ब्लड प्लाज्मा का जो 55% था उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें प्रोटीन्स हैं 7%, वाटर 91 और 92% बोल सकते हैं, एंड अदर सॉल्यूट्स जिसमें 1.5% होते हैं। उसमें भी देखेंगे कि प्रोटीन्स मेनली बेसिकली वी विल डिस्कस लेटर ऑल्सो, बट वी कैन सी एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ऐसा करके पूरा एक ब्लड का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और दिस विल डिस्कस लेटर, तो देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस हियर। फंक्शंस ऑफ ब्लड इज दैट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस डीलिंग विद कोई आ गया था, सो फॉर दैट रीजन आई हैव टू ओपन द डोर। तो हम लोग थे फंक्शंस ऑफ ब्लड पे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस डीलिंग विद, बेसिकली आई हैव मेड इट इन थ्री कैटेगरीज। इसमें देख सकते हैं, नंबर वन इज सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर टू रेगुलेशन ऑफ ब्लड लेवल्स ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन। तो इन तीन कैटेगरी में ही हम लोग अगर देखें तो सारे फंक्शंस आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट्स ट्रांसपोर्टिंग। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, एवरीबडी नोज। सो कैसे कैसे करता है, ए बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। इट हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था कि कोई भी न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज हो, लिपिड्स हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, एनीथिंग विच needs to be given to any cell for its development, its differentiation. So वो ब्लड उसको वहाँ पहुँचाता है, अपार्ट फ्रॉम ओनली ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, हम लोग सोचते हैं कि बस ओनली ऑक्सीजन पहुँचाना काम है, लेकिन नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पहुँचाना भी ब्लड का ही काम है। इट हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बाई ट्रांसपोर्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स एंड किडनीज फॉर एलिमिनेशन। बहुत सारा जो जो हार्मफुल गैसेस हैं, है ना, तो वो लंग्स में पहुंचा दिया, प्लस बहुत सारा हमारा जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है दैट शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द बॉडी, अदरवाइज इट विल हार्म। सो दैट विल गो विद इन द ब्लड टू द किडनीज एंड किडनी विल एक्सक्रीट इट आउट। दिस इज दैट्स वाई किडनी इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अपार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड द स्किन, किडनी इज फंक्शन
very well in this excretory function. And it is the transport medium for various hormones, chemicals, essential elements, vitamins, and also for the drugs we take. कोई भी medicine हम लोग खाते हैं तो वो भी blood के through ही circulate होती है and it will reach the target organ. कोई भी hormone अगर कहीं suppose देखा ही होगा कि hormone निकलता तो pituitary से है ना, anterior pituitary से निकला, काम किया thyroid gland पे, thyroid gland से hormone निकला तो it acts on every cell. तो वो कैसे पहुंच रहा है, वो हमारा blood पहुंचा रहा है. That is blood is a transport medium for hormones, chemicals, essential elements, iron चाहिए, calcium चाहिए, magnesium चाहिए, potassium चाहिए, everything is needed by the growing cells of each and organ. So it is the transport medium, the blood, which is giving to them these all the things. Then we can talk about regulation. The blood maintains, the blood is responsible for carrying heat away from the body core to the periphery. जो हमारा बॉडी कोर है, कोर मतलब जो इनसाइड बॉडी, जो हमारा मेन ऑर्गन्स जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शंस, ठीक है. एंड एक और बोलते हैं जो कि जब चीज़ें बनती हैं और एनीथिंग इज मेड और एनीथिंग इज यूज्ड, ठीक है, सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दैट फॉर्म. सो धीरे धीरे एनर्जी बनती है तो उससे हीट जनरेट होती है, तो दैट हीट विल अगेन डिस्ट्रॉय द इनसाइड ऑर्गन्स. तो उस हीट डिस्ट्रॉय ना कर दे, सो बिकॉज टू दैट हीट विल बी कैरीड टूवर्ड्स द पेरीफेरी, ठीक है, एंड फ्रॉम अ हॉटर रीजन ऑफ द बॉडी टू द कूलर रीजन, एंड दस हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. इसलिए देखा हुआ कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, सो ऑल द ब्लड वेसल्स विल डायलेट, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है एंड देन हीट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. गर्मी में देखा हुआ चेहरा पूरा लाल हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज द ब्लड हैज टू एलिमिनेट हीट फ्रॉम द बॉडी. सो एंड इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस. कोई भी रिएक्शन हो रही है, जो भी बताया रिडॉक्स रिएक्शंस, तो उसमें क्या होता है, एसिड जनरेट होता है. एक तो हीट जनरेट हो रही है, दूसरा होता है एसिड जनरेट होता है, तो दैट एसिड अगेन विल हार्म द बॉडी, है ना. पीएच शुड बी मेंटेन विद इन वेरी शॉर्ट लिमिट. जैसे पीएच हमारा जो ब्लड का है 7.4, बात करेंगे अभी, सो दैट शुड बी मेंटेन्ड विद इन दिस वन लिमिट, अदरवाइज बॉडी विल गो फॉर एसिडोसिस और एल्कलोसिस. सो ब्लड इज हेल्पिंग इन दैट मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, दैट मीन्स पीएच बैलेंस करता है. दूसरा है एडिक्वेट फ्लूड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. जब सर्कुलेटरी सिस्टम में 5 लीटर्स ब्लड है दैट इज रिक्वायर्ड, तो वो फ्रॉम द जीआई सिस्टम, फ्रॉम दिस दे इट विल कलेक्ट एंड स्टोर इन द ब्लड. इफ इट इज मोर इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इट विल लीव द वाटर फ्रॉम इट्स सिस्टम. सो इन दिस मैनर इट इज मेंटेनिंग द फ्लूड वॉल्यूम. The blood also acts as a storehouse of different materials like water, electrolyte and nutrients for the cells of the body. एक रेडीमेड सोर्स है, अगर किसी सेल को चाहिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो ब्लड से ले लेती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो ब्लड से ले लेती है, वाटर चाहिए तो वो ब्लड से ले सकती है, बिकॉज दिस इज ब्लड इज ऑलवेज कैरिंग विद इट. प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सो एक और फंक्शन है इसको बोलते हैं ब्लड इज प्रोटेक्टिंग अस. हाउ एवरीबडी नोज बट आई एम जस्ट टेलिंग, ब्लड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस. पहली बार ब्लड लॉस हो जाता है, कभी कभी इंजरी हो गया, कुछ कट हो गया, तो वहाँ से ब्लड बहुत तेज निकलता है. ब्लड इज अ वाइटल फ्लूड, अगर निकल गया तो पर्सन की डेथ हो सकती है. सो वहाँ पर भी वो ब्लड के अंदर ऐसी मैकेनिज्म है कि वो उसको रोकने का प्रयास करती है. इट विल ट्राई टू लॉस टू द मेंटेन द लॉस, है ना. तो इट विल डू द हीमोस्टेसिस. इसको हीमो मीन्स ब्लड, स्टेसिस मीन्स स्टेग्नेशन, यानी ब्लड को रोकना, है ना. तो इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इट प्रिवेंट्स ब्लड लॉस फ्रॉम एन इंजरी बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स भी ब्लड में है, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी ब्लड में है, और जो हम बोलते हैं ना कोगुलेशन फैक्टर्स, वो भी ब्लड में ही हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. सो वन अवर देर इज ए इंजरी, तो दे विल बिकम एक्टिव एंड दे विल मेक द क्लॉट फॉर्मेशन.
So initiating clot formation when a vessel is broken. So this is kind of protective function. और इसके अलावा blood prevents infection. इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करता है. क्यों? कैसे? अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इज प्रोटेक्शन. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बाय इम्यून मैकेनिज्म. हमारे पास अपना खुद का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है ना. द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द ब्लड प्रोवाइड्स रेडीमेड इम्यूनिटी. ब्लड सिंथेसाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग एंटीबॉडीज, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एक्टिवेटिंग WBCs टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फॉरन इन्वेडर्स. ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ WBCs एंड इन्फ्लेमेशन लेटर. क्या क्या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है, क्या होता है, सो वी विल डिस्कस लेटर. ब्लड वॉल्यूम, अब बात करते हैं ब्लड वॉल्यूम की. द टोटल ब्लड वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड बॉडी इज कॉल्ड द ब्लड वॉल्यूम. एवरेज 5 लीटर्स इन मेल एंड 4.5 लीटर्स इन फीमेल. अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो 70 ml पर kg इन एडल्ट्स एंड इन चिल्ड्रंस इट इज 85 ml पर kg. नेक्स्ट, अब इसको हम लोग कैसे नापते कैसे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम. तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक आदमी का पूरा ब्लड निकाल लिया, उसको वेट कर लिया, भैया कितना तुम्हारा, 2 लीटर, तुम्हारा 5 लीटर, उसको वापस डाल दिया. तो दिस इज नॉट द प्रोसेस, दिस कैन नॉट बी डन. ठीक है, सो इट इज यू कैन से एक ऑल्टरनेटिव मेथड में इसको ले सकते हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में कि हम लोग या तो RBC का वॉल्यूम मेजर कर लें या प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर कर लें. तो इफ इट इज वी कैन मेजर द RBC वॉल्यूम, वी कैन मेजर द ब्लड वॉल्यूम और वी कैन एस्टिमेट द प्लाज्मा वॉल्यूम, तो भी कर सकते हैं. या दोनों मालूम कर लिया तो उनको दोनों को प्लस कर लिया तो वॉल्यूम निकल आता है. बिकॉज वी नो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी द 55% इज द प्लाज्मा एंड 45% इज द RBCs. अगर हमें मालूम पड़ गया कि RBC वॉल्यूम सपोज इतना है तो यानी 45% है तो उसमें प्लस कर देंगे तो दैट इज द टोटल वॉल्यूम. या प्लाज्मा वॉल्यूम मालूम कर लिया तो पता लग जाएगा कि टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना है उस पर्सन में. सो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कर सकते हैं. इसमें पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल वॉल्यूम. सेल वॉल्यूम कैसे देखते हैं कि इसमें सेल को निकाल के सारी सेल्स को ऐसे नहीं करते हैं. क्या करते हैं कि एक पर्सन से जो कि ओ नेगेटिव पर्सन होता है उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल देते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसकी RBCs जो होती हैं वो टैग हो जाती हैं, है ना. वंस द RBCs आर टैग सो दैट RBCs विल बी टेकन फ्रॉम दैट डोनर पर्सन एंड वी विल इंजेक्टेड टू द पर्सन विच वी वॉन्ट टू नो द सेल वॉल्यूम. ठीक है, सो जो टैग्ड RBCs हैं, जो RBCs जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ले चुकी हैं, वंस इट इज गिवन टू दैट पर्सन, सो उसमें जब वो पूरी डाइल्यूट हो जाती हैं एंड देन वी विल टेक सम अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर मेजरमेंट. इन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव RBCs विल टेल अबाउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द RBCs. तो दिस इज द फॉर्मूला वी कैन मेजर द. सो इसमें एक फॉर्मूला है जैसे VRBC इज इक्वल टू VD इनटू RAD, जिसमें कि रेड सेल वॉल्यूम है VRBC, VD है वॉल्यूम ऑफ डोनर सेल्स इन ML, RAD मींस रेडियो एक्टिविटी ऑफ डोनर सेल्स एंड RAR मींस रेडियो एक्टिविटी ऑफ द रेसिपिएंट सेल्स. सो वंस द रेसिपिएंट सेल्स ऑल्सो बिकम रेडियो एक्टिव तो दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द RBCs प्रेजेंट इन द पर्सन. सर्टेन अमाउंट से पता लग जाता है. ऐसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम. अ नोन क्वांटिटी ऑफ डाई इज इंजेक्टेड इन टू द ब्लड. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन मेजर्ड एंड फ्रॉम दिस ब्लड वॉल्यूम इज मेजर्ड. एक नोन अमाउंट ऑफ डाई अगर ब्लड में डाल दिया जाए, सपोज एक डाई का वॉल्यूम में उसका कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो डब डाल देते हैं. बिकॉज ऑफ दैट नोन वॉल्यूम जब वो पूरे ब्लड को डाइल्यूट कर देता है सो वहाँ से थोड़ा सा ब्लड मिलके उसका हम लोग उसका कंसंट्रेशन उसका वॉल्यूम से निकाल सकते हैं. एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं V2 is equal to V1 upon C1 upon C2. यानी जो देखा जाए कि जो अमाउंट ऑफ डाई था, ठीक है, अमाउंट ऑफ डाई जो बाहर था वही अमाउंट ऑफ डाई हमने अंदर डाला है. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ डाई जो बाहर था उसमें उसका वॉल्यूम एंड उसका कंसंट्रेशन एक सर्टेन थिंग है. दैट इज V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द डाई सॉल्यूशन इंजेक्टेड एंड C1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द डाई इन इट. ठीक है, सो V1 C1 मतलब उसका टोटल वॉल्यूम बता देगा. V1 इंटू C1 विल टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ डाई. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ द डाई
विल टेल अबाउट द कंसंट्रेशन द वॉल्यूम ऑफ द डाई इन दैट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो वही हमने डाई डाला था पर्सन में। अब वहाँ पे जब उसको जब डाइल्यूट हो गया तो वहाँ से जब थोड़ा सा ब्लड सैंपल लिया तो द उसमें क्या हो गया V2 एंड C2। तो V2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है, जो लिया हमने, एंड C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ द डाई इन प्लाज्मा। सो जो कंसंट्रेशन अमाउंट है इन दिस प्लाज्मा, सो जब C2 एंड V2 करेंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि अमाउंट ऑफ डाई कितना है। तो इससे पता लग गया तो V2 C2 एंड V1 विद C1, तो यानी अमाउंट ऑफ डाई तो सेम था, इसीलिए V1 इंटू C1 इज इक्वल टू V2 इंटू C2। दिस इज द सेम फार्मूला वी हैव सीन बिकॉज अमाउंट ऑफ डाई इज सेम। जब हमें ये मालूम पड़ गया तो V2 वी कैन कैलकुलेट। तो वंस वी कैन कैलकुलेट द V2, सो वी कैन कैलकुलेट द ब्लड वॉल्यूम। एक इनडायरेक्ट टेक्निक है, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे में एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन एक बात चीज़ है, जो डाई यूज होती है उसका एक खासियत है, डैट शुड बी नॉन टॉक्सिक, शुड नॉट बी मेटाबोलाइज इन द बॉडी, पहली बात, क्योंकि अगर वो टॉक्सिक हुई तो गड़बड़ है। इफ इट इज मेटाबोलाइज इन द बॉडी तो वी कैन नॉट मेजर द कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ डाई, एंड इट शुड नॉट लीव द प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में ही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लाज्मा से निकल जाए। इट शुड नॉट एंटर द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में घुसने नहीं चाहिए, जिसको बोलते हैं ढुकना नहीं चाहिए, तो ब्लड सेल्स में घुसे भी नहीं, एंड शुड बी ईजिली मेजरेबल। तो ये सब उसकी क्वालिटी होती है डाई की, वो बहुत सारी डाइज हैं उसमें हम लोग नहीं जा रहे अभी। सो द इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम, एक जो टर्म आता है उसको बोलते हैं द होल वॉल्यूम माइनस द सीक्वेस्ट्रेटेड वॉल्यूम, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ ब्लड और प्लाज्मा इज सीक्वेस्ट्रेटेड इन सम एरिया, सो उसमें से उतना माइनस करके दैट इज द इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम। वेरिएशंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम कभी भी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए वेरिएशंस में, इन चिल्ड्रन द वॉल्यूम इज कंपेरेटिवली मोर देन इन एडल्ट्स। द मेल्स हैव हायर वॉल्यूम्स देन फीमेल्स, जनरल है। द मोर द सरफेस एरिया द मोर इज द ब्लड वॉल्यूम। कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी है और कोई बहुत छोटा आदमी है तो उसमें वी नो दैट देर विल बी वेरिएशन। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 20% टू 30% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में देर इज अ नीड टू सपोर्ट द बेबी, इसीलिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज आफ्टर मील इन हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू राइज इन RBC काउंट, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज ऑफ दैट हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो RBC फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो देर इज़ अ हीमोपोइसिस इंक्रीजेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इराथ्रोपोइसिस RBC काउंट बढ़ जाता है एंड द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, नॉर्मल बात है। पैथोलॉजिकल राइज ऑफ ब्लड वॉल्यूम अकर्स इन वेरियस डिजीजेस एज कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म एंड पॉलीसाइथीमिया। वॉल्यूम डिक्रीजेज आफ्टर हेमरेज, बर्न, वोमिटिंग एंड डायरिया एक्सेट्रा। भाई वोमिटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा तो अपने आप वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वही बहुत बहुत चमत्कार वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम, वाटर लेवल, वॉल्यूम जो वाटर लेवल हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस पर रेगुलेशन ऑफ RBC मास, रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 5 to 6 liters ऑफ मेल एंड 4 to 5 liters ऑफ मेल सब फीमेल्स, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल वॉल्यूमिया। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिया, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपो वॉल्यूमिया। हाइपर वॉल्यूमिया मीन्स वॉल्यूम बढ़ा, अल्टीमेटली मोर वॉल्यूम मीन्स मोर प्रेशर, द हार्ट हैज टू पंप मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, सो उसमें टेंशन बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ पे हाइपर टेंशन हो जाता है, ठीक है। सो दिस दैट मे कॉज द हाइपर टेंशन इफ इट इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। विस्कस फ्लूड है, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूड टू फ्लो ड्यू टू कोहिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा पार्टिकल होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है, मतलब इसे बोल सकते हैं कि थिकनेस है, चिपचिपा जो होता है ना, बिकॉज ऑफ यू कैन सी द ब्लड,
सो ब्लड अगर वाटर की विस्कोसिटी 1 है तो ब्लड की विस्कोसिटी 4 to 5 रहती है। इट इज़ ए स्टिकी ओपेक फ्लूड विद मेटालिक टेस्ट, टेस्ट तो मेटालिक टेस्ट होता है, एंड पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35 to 7.45 और एवरेज देखेंगे तो 7.4। दैट मीन्स इट इज़ अ अल्कलाइन फ्लूड, है ना, एंड दिस शुड बी मेंटेन वेरी वेरी कॉशियसली। थोड़ा सा भी अगर 7.35 से नीचे जा रहा है तो डेंजरस है, एंड 7.45 से ऊपर जा रहा है यानी अल्कलिनिटी बढ़ रही है तो भी डेंजरस है ना। अब ऑस्मोलैरिटी इसकी होती है 300 मिली ऑस्मोल्स और 0.03 ऑस्मोल्स। दिस वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द प्लाज्मा। 300 मिली ऑस्मोल्स ऑस्मोलैरिटी से क्या होता है कि दिस इज अ क्वालिटी कि फ्लूड या वाटर को कितना अट्रैक्ट करता है, जितना ऑस्मोल्स ज़्यादा होंगे उतना अट्रैक्शन वाटर ज़्यादा होगा, उतना पानी ज़्यादा खींचेगा। सो एनी इनटेक एंड गिव फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोलैरिटी। सेलिनिटी मीन्स 0.85% रहता है, रिफ्लेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन द ब्लड, दैट शुड बी मेंटेन। अगर सेलिनिटी इंक्रीज कर रही है तो भी डेंजरस है और कम हो रही है तो भी डेंजरस है। RBC में रप्चर और RBC में हीमोलाइज। टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, स्लाइटली हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हम लोग 37 बोलते हैं तो जो इनसाइड टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहता है। ब्लड अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ द बॉडी वेट एंड कलर वेरीज विद द ऑक्सीजन कंटेंट। हाई ऑक्सीजन कंटेंट है तो स्कारलेट कलर रहेगा एंड लो ऑक्सीजन कंटेंट है तो डार्क रेड कलर रहेगा। जिसको बोलते हैं ना कि वेनस ब्लड इज समवॉट वेन्स ब्लू लगती है देखने में, तो दैट इज द रीजन। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। ऑब्जेक्टिव हमारा ये सब है कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, बहुत नहीं जानूंगा। व्हाट इज प्लाज्मा? अबाउट 55% ऑफ आवर ब्लड इज प्लाज्मा। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, नाउ यू नो, है ना। इट्स अ पेल येलो फ्लूड दैट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 90% ऑफ वाटर एंड 8% ऑफ अदर सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। व्हाई आई एम गिविंग स्ट्रेस टू दिस पार्ट? बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, ये ऑल्टरनेटली कभी कभी पूछा जाता है। इस साल नहीं पूछा है तो अगले साल पूछेंगे, एंड मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन वाइवा ऑल्सो द एग्जामिनर में आस्क, ठीक है। प्लाज्मा इज अबाउट 92% ऑफ वाटर, ठीक है। प्लाज्मा में भी 92% वाटर है। प्लाज्मा इज ए कोलाइडल सोल्यूशन विच इज लिक्विड कंटेनिंग सस्पेंडेड सब्सटेंसेज डू नॉट सेटल डाउन आउट ऑफ सोल्यूशन एंड इट कंटेन्स 7% ऑफ वाइटल प्रोटीन्स सच एज एल्ब्यूमिन, गामा ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड एंटीमोफिली फैक्टर्स एंड 1% मिनरल सॉल्ट्स, शुगर, फैट्स, हॉर्मोन्स, विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट, इनऑर्गेनिक एटसेट्रा, यानी वॉट एवर प्रेजेंट इन दिस एनवायरमेंट मे बी प्रेजेंट इन योर ब्लड। एक कहावत है, ठीक है, तो जो भी गैस, जो भी चीज़ें बाहर मिलती हैं वो हमारे ब्लड में भी हो सकती हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल। एक छोटा सा ये चार्ट बना हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स 7% है। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान रखिए एंड वेन एवर यू हैव टू गिव द आंसर, यू हैव टू गिव द आंसर लाइक दिस ओनली कि प्लाज्मा प्रोटीन 7% है, आउट ऑफ दैट प्लाज्मा प्रोटीन 7% उसमें से कितना एल्ब्यूमिन है 60 to 80%, ग्लोबुलिन 36%, फिब्रिनोजन 4% एंड द रेगुलेटरी प्रोटीन्स अदर दैट इज लेस देन 1%। अदर सॉल्यूट्स में इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट ये सब भी रहते हैं। सो दैट स्लाइड विल गिव यू, इसका एक बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मेनली द प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना। अब आ गया कि दिस इज जस्ट अ चार्ट टू राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। प्लाज्मा, फिर दो पॉइंट में आना वाटर एंड सॉल्यूट्स, इन सॉलिड्स में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में एनायंस एंड कैटायंस, एनायंस में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट, कैटायंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोलाइड्स में प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा लिपिड्स, एंड क्रिस्टलॉइड्स में ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, अमोनियम आयंस, बहुत कुछ हो सकता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा वॉल्यूम रिमेन्स रिलेटिवली कॉन्स्टेंट। नॉर्मली वाटर इनटेक थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक क्लोजली मैचेस वाटर लॉस थ्रू द किडनीज, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड स्किन। प्लाज्मा वॉल्यूम एकदम मेंटेन रहना चाहिए। जरा सा भी वॉल्यूम कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो बहुत कुछ जो हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उस पर असर पड़ता है। तो इस पर क्लोज
दे शुड बी क्लोज मैचिंग ऑफ जितना डाइट्री इनटेक है, चाहे जस्ट ट्रैक में जितना आ रहा है, तो जितना आया है उतना किडनी से लॉस हुआ है या लंग से लॉस हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक में लॉस हुआ है, तो वो दैट शुड बी परफेक्टली मैच, कि ऐसा नहीं हुआ इनटेक कम हुआ लॉस ज़्यादा हो जाए, है ना, या इनटेक ज़्यादा हुआ है तो लॉस कम हो, तो पूरा हाइपर वॉल्यूम ही हो जाएगा. तो दैट शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकली मेंटेन. प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्लाज्मा ब्लड प्रोटीन्स ऑल्सो टर्म्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. दे सर्व मैनी डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन एक्टिविटी एंड फंक्शनिंग द इम्यून सिस्टम. तो वट एवर फंक्शन वी हैव डिस्कस फॉर द ब्लड, उसमें से बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के ही रहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है. प्रोटीन्स को कैसे नाम दिया प्लाज्मा प्रोटीन्स को, तो बिकॉज ऑफ देर आर सर्टेन मैथड्स ऑफ सेपरेशन. दिस इज अ बायोकेमिस्ट्री पार्ट, बट एक बार जानने जरूरी है कि प्रेसिपिटेशन बाई सॉल्टिंग आउट, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट सेपरेशन. दिस इज हाफ सेचुरेशन एंड फुल सेचुरेशन. हाफ सेचुरेशन में पहले अलग हो जाता है थोड़ा प्रोटीन, उसको अलग कर लिया, देन फुल सेचुरेशन में जो अलग हुआ उसको अलग कर लिया, तो दैट गिव्स यू आइडिया ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. एंड देन देर इज अ फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मैथड, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगा के, बिकॉज प्रोटीन विल बिहेवियर एज अ कैटायन एंड एनायंस, तो जो प्रोटीन होता है वो दैट विल मूव टू द कैटायन और एनायंस बेस्ड अपॉन देयर नेचर. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सेपरेट द प्रोटीन्स इन द सोल्यूशन. एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स जब वही जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन था उसमें डालने के बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन जब कर दिया, तो जो हैवी प्रोटीन्स है वो बॉटम में आ जाएगा टेस्ट ट्यूब के, उसके बाद ऊपर उसका हल्का, यानी सबसे हल्का प्रोटीन जो होता है वो ऊपर आ जाएगा. ऐसा ही क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बेस्ड अपॉन दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें ये जो बैंड बनाया है आप देख रहे हैं एल्ब्यूमिन का, और जो इस राइट साइड में बैंड है वो है ग्लोबुलिन का. ग्लोबुलिन में भी 5-6 बैंड बन जाते हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा, बहुत सारे हैं. जैसे प्लाज्मा फेरेसिस, यानी प्लाज्मा इज अ प्रोसेस विच द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स. टिपिकली द प्लाज्मा इज रिप्लेस विद अनदर सॉल्यूशन सच एज सलाइन और एल्ब्यूमिन, और द प्लाज्मा इज ट्रीटेड एंड द टर्न डाउन रिटर्न टू योर बॉडी. वी आर नॉट गोइंग टू दिस. ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ से बनता है, इन द एम्ब्रियो. द प्रिमिटिव प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस आइदर बाई सिग्रीशन और एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द मेसेनकाइमल सेल्स. उसके बाद मोस्टली द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द लिवर. ठीक है, जितने भी हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथंबिन, सभी लिवर से बनते हैं. लेकिन एक बात देखने वाली है कि ग्लोबुलिन जो होता है वो लिवर के अलावा भी कहीं और से बन सकता है, जैसे द डिसइंटीग्रेटेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्पेशली द गामा ग्लोबुलिन पार्ट ऑफ द ग्लोबुलिन, एंड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इन द जनरल, एंड फ्रॉम लिम्फॉइड नोड्यूल्स. तो यहाँ पे एक देखने वाली बात समझ में आ रही है कि एल्ब्यूमिन तो लिवर से बन रहा है, ग्लोबुलिन लिवर के अलावा भी कहीं और से बन रहा है. यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, एजी रेशियो. इसका इंपॉर्टेंस है, एजी रेशियो जनरली क्या होता है, 2:1 या 1.7:1, यानी 1.7 अगर एल्ब्यूमिन है तो 1 होगा ग्लोबुलिन, ये नॉर्मली रहता है. लेकिन सपोज हम लोग उसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इफ़ द पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ लिवर डिजीज, तो लिवर डिजीज में क्या होगा, जो एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन है, ग्लोबुलिन प्रोडक्शन है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ग्लोबुलिन जो होता है वो और कहीं और से भी प्रोड्यूस होता है, तो ग्लोबुलिन प्रोडक्शन धीरे धीरे अपना लेवल मेंटेन कर लेगा, बट एल्ब्यूमिन कम होता जा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, एजी रेशियो विल बी रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स एजी रेशियो. ठीक है, यानी ग्लोबुलिन ज़्यादा हो गया, एल्ब्यूमिन कम हो गया. दैट गिव्स द आइडिया कि यार लिवर में कोई दिक्कत है, इसका मतलब है ना. सो दिस विल टेल अबाउट द लिवर डिजीज मेनली. प्लाज्मा प्रोटीन्स नेमली एल्ब्यूमिन विच अमाउंट फॉर 60-80% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, यानी अगर ग्राम परसेंटेज में देखें आउट ऑफ दैट 7 ग्राम परसेंटेज इन द प्लाज्मा, तो उसमें से 4.7-5.7 ग्राम परसेंटेज ऑफ द प्लाज्मा इज एल्ब्यूमिन, यानी 80% एल्ब्यूमिन बनाता है पार्ट. इट इज़ अ इलिप्सॉइड पार्टिकल विद मॉलिकुलर वेट ऑफ 69,000. ठीक है, 69,000 मतलब यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि 65,000 जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, सो दिस गिव्स आइडिया कि दिस इज एल्ब्यूमिन इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू द अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स. इसीलिए ये यूरिन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं. इफ द किडनी मेम्ब्रेन इज डैमेज,
then there is a more chances of filtration of this plasma protein in the kidney. That's why अगर प्रोटीनूरिया की बात करें तो सबसे पहले एल्बुमिनूरिया होता है, यानी एल्बुमिन यूरिन में सबसे पहले निकलता है, उसके बाद अदर प्रोटीन्स निकलते हैं. देन ग्लोबुलिन्स, दिस इज इलोंगेटेड, मॉलिक्यूलर वेट इज 90,000 टू 1,56,000. इसमें बहुत सारे होते हैं जैसे गामा ग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडी बनाते हैं, एंड दे कैरी लिपिड्स एंड दे ट्रांसपोर्ट आयरन, सेरोप्लाज्मिन, हीम, हीपेटोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन प्रोटीन, सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन, हीमोपैक्सिन एंड हैप्टोग्लोबिन. हैप्टोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, इट शुड नॉट बी लूज इन द यूरिन. तो उसको तुरंत ट्रैप कर लेता है, जोड़ने के बाद बड़ा हो जाता है, तो ये किडनी में फिल्टर नहीं हो पाता है. ठीक है, ऐसा ही. देन आता है फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन इज मॉलिकुलर वेट इज 3,40,000. देखिए सबसे बड़ा जो मतलब दिख रहा है यहाँ पे फिब्रिनोजन है. सर्व्स एज एन क्लॉटिंग फैक्टर, सॉल्युबल प्रिकर्सर ऑफ फिब्रिन. फिब्रिन का ये प्रिकर्सर है, यानी अब समझ में आ रहा है कि दिस विल हेल्प इन द कोगुलेशन, यानी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम करेगा. प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन इज एक्चुअली ग्लोबिन ओनली, ग्लोबिन प्रोटीन ही होता है फाउंड इन द लिवर. अब सीरम कभी सुनते हैं हम लोग, बोलते हैं कि सीरम क्या होता है. सीरम इज अ फ्लूड लेफ्ट व्हेन ब्लड क्लॉट्स. अगर हम ब्लड देखें, प्लाज्मा समझें, प्लाज्मा के बाद सीरम, तो सीरम क्या होता है, दैट इज जब वो पार्ट जहाँ पे प्लाज्मा के कुछ कंटेंट हैं प्लस वो कंटेंट हट गए हैं, दोज कंटेंट आर लॉस्ट विच आर यूज इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में यूज हो जाते हैं, जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो सब यूज हो जाएंगे, तो जो बचेगा उसको बोलते हैं सीरम. इसीलिए जो बचता है उसमें एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन भी रहता है. दैट्स वाई द टर्म इज सीरम एल्ब्यूमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन, इसलिए बोलते हैं. दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलिन्स. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना बड़ा लिस्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू दिस डिटेल. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये देखेंगे आप लोग, इसको लिखना भी पड़ता है और इसको बताना भी पड़ता है एग्जामिनेशन में एंड वाइवा में. ठीक है, तो नंबर वन फंक्शन यू शुड टेल दैट इट मेंटेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक टेंशन. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन बताने में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं सर ये कोगुलेशन हेल्प करता है, ये करता है, वो करता है, स्टार्टिंग करते हैं वहाँ से. बट स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, दैट इट मेंटेन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक टेंशन. ठीक है, ऑफ ब्लड एंड एड इन रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सी ओ टी जितना मेंटेन रहेगा उतना ही वाटर को हम लोग ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं. ठीक है, जो भी कंटेंट जो भी आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड गिव एंड टेक चल रहा है सेल्स एंड ब्लड के बीच में बिकॉज ऑफ दिस सी ओ टी, क्योंकि जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं वो उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बताते हैं क्यों. सो ऑल द थ्री प्रोटीन्स टेक पार्ट इन दिस COT maintenance, but albumin having the smallest and most symmetrical molecule exerts the maximum osmotic pressure. एक तो उसका नंबर ज़्यादा है और उसका मॉलिकुलर वेट कम है, तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कोलाइडल ऑस्मोटिक टेंशन उतना ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन. Albumins have a considerably smaller molecule weight than globulin, comprises 52% of the plasma proteins. 1 gram of albumin in 100 ml of plasma will exert a pressure of 5.5 mm of Hg, or is compared to globulin, तो उसका खाली 1.5 mm Hg होता है. The total colloidal osmotic pressure varies from 25 to 30 mm of Hg mercury, and albumin is responsible for 80% of it. यानी प्लाज्मा का ब्लड का जो टोटल सी ओ टी है, क्लोराइडल ऑस्मोटिक टेंशन, यानी जो भी एक्सचेंज चल रहा है बिकॉज ऑफ सी ओ टी, उसका जो 80% इंपॉर्टेंस है वो एल्ब्यूमिन का है, उतना पार्ट है. सोचिए अगर सी ओ टी मेंटेन नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. द सी ओ टी रेगुलेट्स द टिश्यू फ्लूड फॉर्मेशन एंड प्लाज्मा वॉल्यूम एज द क्रिस्टलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूड एंड प्लाज्मा आर इक्वल, क्योंकि क्रिस्टलॉइड जो होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं, ब्लड जो वेसल्स का कोर होता है तो इजीली निकल जा रहा है आ जा रहा है, निकल जा रहा है आ जा रहा है, तो जो इनका जो जो क्लोराइडल ऑस्मोटिक जो जो जो
प्रेशर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट क्रिस्टोलाइट्स वो बराबर रहता है, ठीक है, जो क्रिस्टोलाइट ऑस्मोटिक टेंशन है वो ब्लड के इस तरफ यानी सेल साइड में और ब्लड के अंदर वो बराबर हो जाता है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मेनली जो होता है वो COT, अगर COT मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, सपोज अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, ठीक है, एल्ब्यूमिनूरिया हो गया, एल्ब्यूमिन कम हो गया, तो क्या होगा, तो दिस एल्ब्यूमिन बिकॉज दिस इज मेंटेनिंग द COT, अब COT मेंटेन नहीं रह पाएगा, जो टेंशन मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो उस टेंशन मेंटेन रहने नहीं रहने की वजह से क्या होगा, फ्लूड वो लूज कर जाएगा, ठीक है, फ्लूड लूज हो जाएगा, तो यानी वो फ्लूड ब्लड से निकलने लगा, वो टिश्यू स्पेसेस में इकट्ठा होने लगेगा, दिस इज कॉल्ड एडिमा, है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ COT। अगर किसी पर्सन में एडिमा हो रहा है यानी उसका COT मेंटेन नहीं हो रहा है, उसका कोई किडनी प्रॉब्लम है या कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली द एडिमा इज देयर। दूसरा है हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज इन ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन्स कंबाइंड विद सर्टेन सब्सटेंसेज मेटाबोलाइट्स एंड हेल्प टू कैरी देम इन द ब्लड स्ट्रीम। जैसा कि हमने बात किया था कि अगर आयरन को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ट्रांसफेरिन है ना, और क्योंकि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन इजीली पास इन द किडनी मेम्ब्रेन एंड दे कैन पास इन टू द यूरिन, तो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उसको बाइंड करना पड़ता है बड़े बड़े प्रोटीन्स से, एंड दैट दोज बिग प्रोटीन्स विल हेल्प देम टू ट्रांसपोर्ट इन द सिस्टम। सम हॉर्मोन्स एंजाइम्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर पार्ट ऑफ ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, आयरन कॉपर आर बाउंड टू ग्लोबुलिन फ्रैक्शन, ठीक है, सेरोप्लाज्मिन इज अ कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, ट्रांसफेरिन इज द आयरन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, एंड इट हेल्प CO2 कॉरिएज बाई फॉर्मिंग कार्बामिनो कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बामिनो कंपाउंड बना के भी वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। एसेंशियल ऑफ फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जानते हैं फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर एसेंशियल फॉर कॉग्रेशन ऑफ ब्लड एंड टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, दिस इज द पिक्चर टेकन हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प, बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है एंड दिस थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट द फिब्रिनोजन इन टू फिब्रिन, अल्टीमेटली द क्लॉट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड ब्लड लॉस विल बी सॉल्व, ठीक है, तो ब्लड लॉस नहीं होगा और उसको ब्लड को सेव कर लिया जाएगा, दिस इज एसेंशियल मैकेनिज्म। आता है एक्ट्स एज ए बफर, ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे आर वेरी गुड, दे कैन ईजिली एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को वो दे सकते हैं और ले सकते हैं, इसीलिए pH बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं। मेंटेन विस्कोसिटी एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो बेसिकली हमने देखा अभी ग्लोबुलिन बड़ा प्रोटीन था, फिब्रिनोजन बहुत बड़ा प्रोटीन था, सो बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर दे आर मेंटेनिंग द विस्कोसिटी, जो चिपचिपापन था, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द प्लाज्मा, मेनली ग्लोबुलिन ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड सिमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, वो विस्कोसिटी मेंटेन रहता है, विस्कोसिटी मेंटेन रहेगी तो ब्लड का एक जो एक कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो BP बढ़ेगा एंड हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, सो विस्कोसिटी शुड बी मेंटेन विद इन अ नॉर्मल लिमिट। अब क्या है, कंसर्न विद इरेक्टाइल सेडिमेंटेशन रेट ESR, RBCs settle down if they are kept in a long tube. The plasma proteins exert a great influence upon the suspension stability of blood. This is chiefly dependent on fibrinogen, less on globulin and least on albumin. ठीक है, an increase in fibrinogen raises the sedimentation rate of red blood corpuscles by increasing the speed of rouleau formation. जो rouleau formation मतलब RBCs एक के ऊपर एक ऊपर एक पाइल ऑफ कॉइंस की तरह से सेटल होती जाती हैं और ऐसे बैठती जाती हैं, एंड दिस सेडिमेंट दिस इज कॉल्ड इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, और एक घंटे में कितना सेडिमेंट करती हैं उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये बताता है कि आदमी का अगर ESR बढ़ रहा है तो दैट मीन्स पक्का उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना। और फिब्रिनोजन अगर बढ़ता है तो फिब्रिनोजन क्या होता है, RBCs के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको खत्म कर देता है, RBC नेगेटिव चार्ज खत्म होते ही आपस में और एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होने लगती हैं एंड दे विल सेटल डाउन, सो दिस इज मेकिंग द रूलो फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंस द प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑल्टर इन वेरियस डिजीजेस डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन रेट इज ऑफ कंसिडरेबल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड कंस्टिट्यूट्स अ गाइड टू द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। इट इज डिटरमाइंड अप बाई द मेथड ऑफ विंट्रोप्स मेथड और वेस्टरगिन मेथड, जैसे हम लोग लैब में करते हैं,
तो ESR की बहुत इंपॉर्टेंस है, वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इज ESR एंड व्हाई दिस इज अ बेस्ट टेस्ट फॉर क्लिनिशियंस एंड वर्स्ट टेस्ट फॉर द पैथोलॉजिस्ट, है ना, बाद में बात करेंगे। एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन में 7 पॉइंट है, दैट इज एक्ट एज अ प्रोटीन रिजर्व, ठीक है। द प्लाज्मा प्रोटीन सर्व्स एज एन स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम विच द टिश्यू कैन ड्रॉ ड्यूरिंग स्टार्वेशन और इनएडिक्वेट प्रोटीन डाइट। एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज बींग गामा ग्लोबुलिन इन नेचर मेक अप अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लोबुलिन्स ऑफ प्लाज्मा फॉर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो भी हम एंटीबॉडीज देखते हैं, एंटीबॉडी IgG, IgA, IgM, वी विल डिस्कस इन द इम्यूनिटी चैप्टर लेटर, तो वो सब भी इन्हीं की वजह से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन LDL, HDL और वट एवर लिपिड्स हैज टू बी फ्लो इन द ब्लड, बिकॉज लिपिड इज अ वाटर इनसॉल्युबल थिंग, उसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए उसको प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन बना के ही वो इजीली सॉल्यूशन में दे कैन ट्रेवल। फॉर्म्स ट्रीफोन्स, द लिकोसाइट्स प्रिपेयर सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रीफोन्स विच आर नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ टिश्यू सेल्स ग्रोइंग कल्चर। ये एक छोटा सा पिक्चर मिल गया था, आई हैव पुट दैट इज एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एक बार दिखाने के लिए, कहाँ कहाँ से बन रहा है लिवर्स में, लिवर में बन रहा है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, दीज आर द अगेन सेम, यू हैव जस्ट गिव अ व्यू ऑफ दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। एंड नाउ दिस इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स वी विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया है अभी तक ब्लड, देन प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या आ गया, दैट इज इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एंड ओनली WBCs आर कंप्लीट सेल्स, RBCs हैव नो न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स, एंड प्लेटलेट्स आर जस्ट द सेल फ्रेगमेंट्स। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स, ये थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, ताकि क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ब्लड, सो यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इज द ब्लड, वॉट इज प्लाज्मा, वॉट आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। RBCs यहाँ पे दिख रही हैं, WBCs दिख रही हैं, एंड दीज आर द WBCs क्लियरली सीन, जिसमें ईजनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट एंड एवरीथिंग यू कैन सी, एंड दिस इज द समरी ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट वी विल डिस्कस लेटर। थोड़ा सा क्योंकि आज बात कर रहे हैं हम लोग, सो यू शुड गेट द आइडिया ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस स्लाइड हियर। एंड if any question is there, write in the comment box of my YouTube channel, and next session we will take the erythrocytes and hemoglobin. Erythrocyte यानी RBCs बहुत important है, RBC का shape biconcave क्यों है, ऐसी क्यों बनी, nucleus क्यों निकाल दिया गया, है ना, और hemoglobin का formation structure क्या है, what is the function of hemoglobin, वो सब we will discuss in the next lecture. तब तक के लिए stay safe, stay healthy, and thank you from my side, and keep studying.